अलवर सदर थाना पुलिस अलग अलग जगह शराब बेचने के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से अवैध शराब बरामद की है। थाना प्रभारी दिनेश कुमार मीणा ने बताया कि अवैध रूप से शराब बेचने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। उसी को लेकर मुखबिर से सूचना मिली कि गांव भजेडा गांव में राशिद नाम का व्यक्ति खड़े होकर शराब बेच रहा है, जिसको पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया है और उसके कब्जे से शराब बरामद की। वही पुलिस ने तुलेडा गांव में दबिश देकर मलकीत सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसके कब्जे से भी शराब बरामद की है और दोनों को आबकारी एक्ट में गिरफ्तार किया है। आरोपी शातिर प्रवृत्ति के हैं और अवैध रूप से शराब बेचने का कार्य करते हैं। कल दिनांक 8/10/2023 को सायकालीन गश्त के दौरान दौराने गश्त श्री शशिकांत हेड कांस्टेबल, श्री काशीराम जी एसआई साहब, श्री राम गोपाल जी एसआई साहब के द्वारा शहर में विभिन्न स्थानों से मुलजिम राजेंद्र गुजर, बंटी गुजर व राकेश निवासी डडीकर से अवैध शराब ढोला मारू के करीब 125 पौवे जब्त किए और मुकदमा दर्ज कराया गया, जिनका अनुसंधान जारी है। तो ये तीनों को कहाँ से गिरफ्तार किया? ये अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया गया है। एक तो प्रताप बंद से किया है, एक लादिया मोहल्ला से किया है और एक रामायण जी हनुमान जी के पास से किए गए। तीनों एक ही गांव के रहने वाले हैं? तीनों एक ही गांव के रहने वाले हैं जो शहर में अलग अलग जगह शराब बेच रहे हैं।